अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आप सबने अरोरा लाइट्स के बारे में तो सुना ही होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये अरोरा लाइट्स क्या है, इनका ओरिजिन कहाँ से है और ये कब और कैसे बनती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अरोरा लाइट्स दुनिया के जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल में यानी आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल्स में पाई जाती हैं। ये इनके इधर एक हैरत अंगेज लाइट शो होता है जिसे अरोरा लाइट्स कहते हैं। इसके बारे में काफी लोगों ने बहुत सी मिथ्स बनाई हैं, लेकिन इनमें कोई हकीकत नहीं है। दर हकीकत ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले गैलीलियो ने, एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो ने 1619 में इस्तेमाल की और इससे गॉडेस ऑफ डॉन का नाम दिया। असल में ये अरोरा लाइट्स है क्या, इनका पता हम लोग खला में मौजूद सोलर सिस्टम में घूमते अकलौते स्टार सन में होने वाली एक्टिविटीज से पता लगाएंगे। सूरज में होने वाले कंटीन्यूअस फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इनकी स्पीड मिलियंस ऑफ किलोमीटर पर आवर भी होती है और जिनमें अरबों टन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इसे हम कहते हैं सोलर स्टॉर्म। जब ये चार्ज पार्टिकल्स जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल से अंदर एंटर होते हैं तो जमीन की दो गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसके साथ इंटरैक्ट करती हैं और ये एटम्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फोटॉन्स रिलीज होते हैं और इन्हें हम कहते हैं अरोरा लाइट्स। अगर पार्टिकल्स ऑक्सीजन गैस के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो कि जमीन की सतह से 150 माइल्स की दूरी पर है तो कलर ग्रीन प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर वो 150 माइल्स से ज्यादा दूरी पर इंटरेक्ट करें तो कलर रेड प्रोड्यूस होगा। अगर पार्टिकल्स नाइट्रोजन गैस के साथ जो कि जमीन से 60 माइल्स की दूरी पर है इंटरेक्ट करेंगे तो कलर ब्लू प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर वो 60 माइल्स से ज्यादा दूरी पर इंटरेक्ट करेंगे तो वो कलर वायलेट प्रोड्यूस होगा। आखिर में मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती चलूं कि सदर्न अरोरा लाइट्स को हम लोग ऑस्ट्रेलिया स्ट्राइक कहते हैं और नॉर्दर्न अरोरा लाइट्स को हम लोग बोरियलिस लाइट्स कहते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, ठीक है। अगर पार्टिकल्स ऑक्सीजन गैस के साथ जमीन से दूरी पर 150 मम्मा मुझे नहीं आना, दोबारा ही कर देती हूँ। अगर पार्टिकल्स ऑक्सीजन से जो जमीन की सतह से 150 माइल्स पर है इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा, अगर पार्टिकल्स ऑक्सीजन से जो जमीन की सतह से 150 माइल्स की दूरी पर है इंटरेक्ट करेंगे तो कलर ब्लू प्रोड्यूस। और मैं आपको साथ साथ एक फैक्ट बताती चलूं कि नॉर्दर्न बोरियलिस को यार सही बोल रहा हूँ, क्या कहा जाता है सदर्न अरोरा लाइट्स और नॉर्दर्न अरोरा लाइट्स और उनके